संडे को तो कुछ स्पेशल होना चाहिए, तो अभी शुरू से मेरे अंदर इतनी एनर्जी बता रही है ऐसे आगे ब्लॉग करने की। तो आज देखते हैं क्या करने वाले हैं अपन। तो सबसे पहले तो मुझे मामा बुला रही है चाय पीने के लिए। चाय में चाय का है सच्ची ये मेरी चाय सिलेंडर भरवा लो। आपको लोग बात देख लेंगे पीढ़ी की क्या होता बेटा। कहा घूम रहा है तू? है कहा घूम रहा है? लिए बेटा उधर से लेके आओ, बाहर से आप छत पे आ जाइयो। तो भाई अभी हम रैकेट खेल रहे थे और हमारी चिड़ी नीचे चले गई, तो हमने गुड्डन से मदद मांगी हमारी। सो भाई अभी हम रैकेट खेल रहे थे, मैं नीरज भैया और ये हमारा राजा राम। तो इधर से क्या धूप आ रही है, तो फिर मैंने चश्मा लगा लिया। तो चश्मे की मदद से खेलो आप भी, तो चश्मा लगा लो, इससे देखो कितना फ़ायदा मिलता है। इधर ही आ जाए, इधर से मज़ा आ रहा है, उधर नीचे जाएगी बार बार गली में, है कि नहीं फ़ायदा इसका? इसका रिव्यू दो चश्मे के थोड़े बहुत। बहुत मस्त चश्मा है, बिल्कुल साफ दिख रहा है। इससे ये धूप का चौंधा नहीं लगता, इधर से मतलब इधर वाले प्लेयर को ज़्यादा दिक्कत होती है खेलने में, इसको नहीं होती। और ये बच्चे हमारी हेल्प कर रहे हैं, अभी नीचे वो ये चिड़ी चल जाती है ना गली वली में, ऐसे ये गली में चली गई, तो ये ले आते हैं हमारे हेल्पर। ये रनन्नू खाने में लग रहा है, जो अभी मैच देखने आए के लिए मुझे तो खिला दे। ये गरम मिस सारे मिस कर रहा है शॉट, ये बंदा सारे शॉट मिस कर रहा है। देखो चश्मे दे दिए फिर भी। तो भाई आज संडे है, तो दोस्तों के कॉल आ रहे हैं, कह रही हो कि शायद क्या कर रहा है घर पे बड़ा। मैं आया बस जस्ट तुम, तो मैंने बोला ही था आपको स्टार्टिंग में कि संडे को कुछ मस्त करने वाले हैं। मस्त क्या, मैं तो चीट मिल खाता हूँ दबा के संडे को। सो अभी दोस्तों को कॉल कर लिया, इनके आ जाओ सारे जिम वालों, सब जिम की डाइट है भाई। ऐसे कह रहे थे लोग बात तो कि हम तो नहीं आएंगे, हम तो हमारी डाइट पे चल रहे हैं राजू के जैसे। आपको पता ही है राजू की डाइट, तो कितनी डाइट फॉलो करता है ना, बहुत स्ट्रिक्ट है ना वो भाई। सो इसीलिए हम जा रहे हैं, मैं एक दोस्त आरुष वो और नीलेश भाई, हम तीनों जा रहे हैं कचौरी खाने के लिए। यहाँ की वर्ल्ड फेमस कचौरी खाएंगे हम, पानी पी के वर्ल्ड फेमस। सोना लाला की दर को जाला, मैं आ गया तेरी गली विच रे। जुग जुग जी है सोना लाला, मैं बन गया तेरा काला। चलो फाटक को तोड़ने वाला हूँ मैं गाइस, देखो हट जाओ अंकल जी, टक्कर मार सकता है अब उन किसी की भी आज। वैसे तो गाइस सुबह सुबह का माहौल है और इतनी भीड़ है नहीं आज भाई। ये बांदीकुई की ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ लगती है। अगर आप दिन में आ जाओगे ना यहाँ पे, तो आपको निकलने नहीं देंगे ये लोग, इतनी भीड़ लग जाती है यहाँ पे, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। पर यहाँ पे जो भीड़ लगती है ना, ट्रैफिक जाम हो जाता है पूरा। देखो बेलदार ही बेलदार खड़े हैं, ऐसी जिंदगी ना हो जाए कहीं मुझे भी खड़ा होना पड़े इनकी जगह। चलो चलो चलो। सो भाई नीलेश भाई आ चुका है, आरुष आ चुका है, बिल्कुल चलें आज चलते हैं स्पेशल करने संडे को। बिल्कुल चलो। कैसे आरुष को मैंने सबसे पहले फोन किया था। चलो सो भाई हम यहाँ पे आते हैं हमेशा से कचौरी खाने, पर नीलेश भाई कभी नहीं आया। मैं सोच रहा था आप तो आ गए पहले, बताओ अपन ने तो बहुत खाई है, दो दो कचौरी खा के जाते थे हम यहाँ पे। हाँ जगह मस्त लगती है इस जगह जो भाई, मजा आता है ना कचौरी खाने में।
अलग ही है वो। मैं से कह रहा था आरुष की, आरुष के पास ऐसी कैसी वो चीज है जो ये लड़कियों को इंप्रेस कर लेता है। बताना आरुष यार, हमको भी सिखा दे यार क्यूट एक्स। देख रहा हूँ भाई यार, सबसे ज्यादा लड़कियां अपने ग्रुप में इसके पास है भाई। सही बात है, तेरे रिक्वेस्ट ही तेरे पास है। अपन को दिखाया था ना इसने एक दिन, नहीं है भाई कौन बताएगा ऐसी ट्रिक। कोई नहीं बता, तो ये अपन को ही नहीं बता रहा। वो कर देता है, मंत्र पढ़ देता है लड़की के ऊपर जादू है। और क्या हाल है? तो भाई कचोरी आ चुकी है अपनी। भाई कैसी लगी? गर्म नहीं थी, अपन ने बोली भी थी अंकल से, पर अंकल गुस्सा हो जाते हैं। अरे कॉम्बिनेशन मस्त है, पर है ना कॉम्बिनेशन अच्छा है, अच्छा लगता है कॉम्बिनेशन। कड़ी के साथ दही, सब्जी के साथ देते थे तो मार्केट में दही। अरे कड़ी के साथ, कड़ी के साथ देते थे। वही तो बात है भाई, कड़ी है के। हाँ आलू की सब्जी नहीं है, कड़ी के। देखो ये ई रिक्शा चल रहा है ना, अब इसके आगे टैंकर चल रहा है, ऑल्टो चल रही है, उसके आगे भी एक और गाड़ी चल रही है, तो इतना गैप होके जाना पड़ेगा। तो मेरे जैसे लोग तो रॉन्ग साइड घुसाते हैं हमेशा। वाह भाई वाह, तू भी गुस्सा ले रॉन्ग साइड, मैं सोच रहा मैं ही गुस्सा हूँ। जलती है भाई, लाइट भी जलती है। हमने स्टार्ट करा है हमारा रिक्शा। हाँ तो आप आ सकते हैं, विशाल रिक्शा बड़ा सकते हैं यहाँ पे, और हम आपको ले चलते हैं दूर राइड पे, कश्मीर जम्मू कहीं भी सब जगह। चलो बंद। तो भाई अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, यहाँ पे काम चालू है अपनी गाड़ी का। देखो वो लग भी रहे हैं काम करने में, तो अभी तो क्यों डिस्टर्ब करना उनको है। वायरिंग ये भी साउंड सिस्टम लगेगा ना अपनी गाड़ी में, उसके पास सुनाते हैं आपको कैसी साउंड आती है उसके अंदर। खुद मैं खुद एक्साइटेड हूँ उसके लिए बहुत ज़्यादा। मैं आग लगा देंगे। ये वाली बात है, गाड़ी में कुछ नहीं चाहिए हमको, बस साउंड सिस्टम अच्छा होना चाहिए ताकि हम मन मोहक हो सके पूरा। अगर आपके भी घर में चूहे है ना, तो हमारे तरह एक मैकेनिक तो होना चाहिए चूहे मारने के लिए। मैकेनिक क्यों मारेगा चूहे? तो जैसे कार को सही करने वाले को मैकेनिक कहते हैं ना, तो चूहे को मारने के लिए मैकेनिक कहते हैं उसे। सो भाई पाजी ने हमारा लगा दिया स्पीकर, पाजी हमारे लिए आए थे इतनी दूर से, क्योंकि ये अपन बहुत अच्छे जानकार है। इनके पैर में भी चोट लग रही थी फिर भी पाजी आए हैं, तो पाजी से काम करवाना हो तो बांध के में आ जाना आप। पाजी नंबर डाल दूंगा मैं आपके, ठीक है? कोई किसी को भी संपर्क करना हो अपने यूट्यूब चैनल से, बहुत लोग आएंगे आपके पास, टेंशन मत लो। तो पाजी ने सेटअप कर दिया, पुराने का भी किया है अपन ने, है ना? पुराने का बढ़िया चल रहा है ना अपना। देखो भाई ऊपर भग गया ये, अगर मम्मी ने देख लिया ना, मम्मी मुझे नहीं छोड़ेगी आज। पुराने काम करता है, नानी भी नहीं है इसलिए आ गए, दोनों नहीं छोड़ते वरना। चल यहीं भी बैठ जा। ओके सो भाई मैंने साउंड सिस्टम तो लगा लिया गाड़ी में, अब दोस्तों का एक्सप्रेशन लेना है कि उनको कैसा लगता है, क्योंकि उनको अभी किसी को नहीं पता। तो फिर शाम को दिखाता हूँ मैं आपको। अभी हम शूट करने जा रहे हैं, मेरे साथ है आरुष। तो अभी मैं तेरे को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देना चाहता हूँ, अनएक्सपेक्टेड बोलते हैं ना उसको, वो है। तो तू ये आ रहे उसके लिए है पक्का? वो कर लिया तूने गाने चला जो तेरे को अच्छा लगता है, तगड़ा वगड़ा लेवल चला दे। तेरे को गाना आता हो ना वैसा गाना चलाना। ओके तेरे को गाना आना चाहिए जब जाके चला तू गाना। अच्छा मेरे को पूरा गाना आना चाहिए? हाँ गाना नहीं है, लेवल की लिरिक्स याद है पूरी है सिद्धू मूसे वाले। हाँ तो कोई सही वही चला दे तू, लेवल ही सिद्धू मूसे वाले का लेवल चला दिया। आर यू रेडी गाइज? I'm not going to be able to do it.
ये जो खास था ना ये भी धर धरा रहा था ये हिलता है ये वाला गाज तो भी नीलेश को देना चाहते हैं अपन सरप्राइज उसको आने में चला भाई आरुष आ चुका है नीलेश भाई भी आ चुके हैं तो नीलेश भाई को भी सरप्राइज देते हैं अभी तो बैठो भाई नीलेश भाई बैठो एक सरप्राइज दे दूं आपको प्यारा सा बिल्कुल दे दे चला तो बैठो कांच लगा ले चले अब चलाओ सब्सक्राइबर बढ़ गए अपने 813 अब देखो आप कमाल भाई का अभी तो बात कर रहे हैं अभी पता पता चले अभी देखो और क्या भाई आ गया ना मजा मजा आया नहीं आया बताओ अब तो है ना तो भाई इनको बेस की आवाज़ तो मैंने सुना दी जो साउंड सिस्टम था इनको मज़ा आ गया तो कैसी लगी लोकेशन ये वाली है पर यहाँ पे इसके अंदर घुसने का वो सबसे बड़ा टास्क है क्योंकि ये देखो इधर को गेट लग रहा है कूद के जाना पड़ेगा क्यूट नहीं आते तेरी तरह क्यूट नहीं है क्या भाई ये क्यूट है ना जाली तो अच्छी लग रही है चलो भाई इस तो लोकेशन के अंदर आ चुके हैं हम देखो इनको कूदने में जोर आ रहा है जल्दी 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 यार शाबाश आ जाओ भाई आ जाओ आप भी आ जाओ तो गाइस ये काफी हॉरर लोकेशन है मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पे छोटे बहुत जो बच्चे जो बीच में यूट का ट्रेंड चला था तो हॉरर मूवी भी शूटिंग करते थे यहाँ पे आके अच्छा। फोन से अपने यहाँ पे भी करते थे क्या पांच मेगा पिक्सल का कैमरा उनके पास ये ऊपर वाला तगड़ी है ना जगह कैसी आ रही है पर इधर तो लॉक वॉक लग रहा है सो भाई अभी इसके अंदर जाने की सोच रहे हैं और रात सी और हो गई भाई डर डर हो रहे हैं यहाँ पे यार पकड़ ना लिया अपन लोग को यहाँ पे चलते इसके अंदर क्या क्या चुका नहीं जाना अंदर भाई चलो छोड़ो चलते हैं चलते हैं छोड़ मेरे तो ऐसे पटती है भाई इनके ऐसे जगह पर आने चलो चलो कांच पर चुपाना है ना कांच पर तो भाई अंदर काफ़ी ज़्यादा डरावनी लोकेशन थी तो हम अंदर तो गए नहीं बाहर से ही आ गए मतलब ऐसा अजीब सा फीलिंग आ रही थी क्या तो बताया नहीं मेरा कांच तेरे चुप गए आरुष के साथ कुछ अनहोनी हो चुकी है आरुष के कांच और चुप गए गाइस इसलिए मैं कह रहा था देख के चलो बाबूजी पर बाबूजी कहाँ सुनते हैं हमारी बाबूजी तो तुमको दुकाने में दीजिए बिल्कुल अरे फूफा चढ़ जाओ सेम ऐसी एक जगह और बताओ मुझे क्या बताएगा ऐसी जगह एक और है यहाँ पे कंडा भाई मैं तो ज़्यादा डरावनी है भाई गलत लिया देखो भाई लग नहीं रहा क्या भूतों ऐसे लग रहा है ना भूतों का ही सिस्टम है उससे भी ज्यादा खतरनाक है पर सो गाइस आपने साउंड क्वालिटी तो चेक कर ली होगी अपने बेस की तो कैसी लगी कमेंट करके बता देना अपने साउंड क्वालिटी बेस की
और म्यूजिक की, और ये काफी अपने पुराना सिस्टम था साउंड का, JBL का जो भी था, मतलब जो मजा आता है ना आज भी इसको सुनने में फील आ जाता है। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब मैं भी घर पहुंचता हूँ, काफी लेट हो चुके हैं, फोटो शूट करने के बाद से ही मैं मार्केट में घूम रहा हूँ, बताओ। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।